हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पानी जी ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के 6:30 हो चुके हैं और मैं स्कूल के लिए उठ चुका हूँ। और ये देखिए गाइस, पीछे कितना अच्छा सन निकला हुआ है। और सुबह सुबह उठने में मज़ा ही आता है। और गाइस, आप सब सुन सकते हैं ध्यान से कि चिड़ियों की कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और गाय ये देखिए पीछे कैसा मौसम हो रखा है। और आज पहला दिन है मेरा स्कूल जाने का, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गया, क्योंकि मेरा स्कूल आज 7:30 तक, मुझे स्कूल तक पहुंच जाना है, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ गया। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपसे मैं अब तैयार होने के बाद मिलता हूँ दोस्तों। तो मैं ब्रश व्रश कर चुका हूँ, तो आपको पता ही था, क्योंकि रात में मैंने स्कूल ड्रेस प्रेस कर ली थी। तो जा रहा हूँ मैं ड्रेस पहने, और आज वेनर्स डे था, तो इसलिए आज वाइट ड्रेस है स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, अब स्कूल ड्रेस पहनने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो हेलो गाइस, हो गया है स्कूल का टाइम, वो देखिए, और मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो चलिए गाइस, अब स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ और दोपहर के 2 बज चुके हैं। और आते ही मुझे बहुत तेज़ गर्मी होने लगी थी, तो इसलिए मैंने ड्रेस निकाल लिया और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। और आज का पहला दिन मेरा स्कूल में बहुत अच्छा गया। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मैं नहाने के बाद मिलता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ स्कूल से और मैं गया था, नहा लिया था, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, तो इसीलिए अब जा रहे हम लोग लंच करने। तो मैं सोचा जाके कुछ ठंडा ले आता हूँ उसके साथ। तो मैं जा रहा हूँ छाछ चलाने, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है छाछ। तो इसलिए गाइस, मैं अब आपसे खाने के समय मिलता हूँ। तो हेलो गाइस, शाम हो गई है, मैं खा के सो गया था थोड़ी देर के लिए। तो अब उठा हूँ, तो शाम के 6 बज चुके हैं। तो पार्क में तो कोई खेल नहीं पाएगा आज, क्योंकि उसमें पानी डाला हुआ है, क्योंकि बहुत धूल उड़ती है, तो इसलिए धूल ना हो गया इसलिए पानी डाल दिया। और पौधों के लिए भी, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो गाइस आपको दिखाता हूँ। आज ये देखिए कितना गीला है। पूरा पानी पानी है। अभी एक दिन में तो सूख जाएगा, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। हेलो गाइस, शाम हो चुके हैं, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं अपने स्कूल का काम कर रहा था, क्योंकि स्कूल से बहुत सारा काम मिलने लगा है। और मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना गाइस, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसा आपको भी हो रहा होगा, जुकाम हो गया होगा। तो गाइस चलिए, मैं आपसे अब काम करने के बाद मिलता हूँ। स्कूल का काम हो गया है, तो मैं आपके साथ ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छा है। उसको हमने मंगाने से पहले 2-3 बार सोचा कि वो अच्छा निकलेगा कि खराब रहेगा, तो मैं हमने सोचा कि जब वो हमारे लिए अच्छा होगा तभी आपको रिव्यू देंगे, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली है सर। तो 2-3 दिन हो गए हमें मंगाए हुए, बहुत अच्छा है, तो आपको चलिए दिखाता हूँ। 5 स्टार देता हूँ मैं इसको, बुलाइए देखिए। तो ये हमने डोर मैट मंगाया है, ये बहुत मस्त है, ये देखिए गाइस, इसको पहले सब जगह से चिपकाया हुआ है, ये देखिए गाइस। और ये है मच्छरों से बचाने के लिए और वेंटिलेशन के लिए। तो गाइस, जब हम पहले कूलर चलाते थे, तो जब गेट खोलते थे तो मच्छर अंदर आ जाते थे, फिर हमें सोने नहीं देते थे। तो हमने खूब रिसर्च किया, खूब रिसर्च किया, तब जाके हमें ये अच्छा प्रोडक्ट मिला। तो हमने सोचा कि फिर पहले हमने भी सोचा कि हम मंगाएं कि नहीं मंगाएं, यूजफुल है कि नहीं है। तब जब हमें लगा कि अब अच्छा है, तो फिर हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, कि आपको भी अगर ऐसी दिक्कत है तो आप भी मंगाएं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो गाइस, हम मैं आपको इसका सबसे मैजिक वाला पार्ट दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए गाइस। ये देखिए गाइस,
ये गाइस ऐसा है कि ये अपने आप जिम्बो के इसके अंदर लगा हुआ है मैग्नेट दोनों साइड, जिससे आप अंदर जाए और बाहर जाए तो ये देखिए गाइस ऐसा गए, ये देखिए चिपक गया। तो गाइस ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी जरूर लीजिएगा अगर आपके घर में ऐसी दिक्कत है। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हमने इंस्टॉलेशन कैसे किया। तो गाइस ये देखिए, इसको पहले हमने गेट के फिर पूरे चारों तरफ लगा दिया है, फिर ये नेट उस पर अच्छे से लगा दिया हमने। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे लगाया हमने आपको। हम ये दिखा तो नहीं पाए लगाते हुए, पर हमने सोचा कि बाद में आपको रिव्यू दे दे जब ये अच्छा प्रोडक्ट निकले। गाइस ये देखिए, ये इसका स्टिकर है, इसको आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, ये देखिए चिप चिप कर रहा है। तो आप इसको गेट पे लगा सकते हैं, फिर इसके ऊपर नेट चिपका सकते हैं। तो आपको चलिए गाइस दिखाता हूं कि हमने कैसे लगाया। इसको आप चाहे उखाड़ भी सकते हैं, फिर दोबारा भी लगा सकते हैं। देखिए जो मैंने अभी स्टिकर दिखाया था वो कैसे लगा हुआ है यहाँ। हाँ। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, फिर ऐसे दोबारा लगा सकते हैं। इसको मैं अभी पूरा नहीं निकालूंगा, आपको जब अगर आपको निकालना तो निकाल सकते हैं। ये देखिए गाइस कैसे लगा हुआ है, पूरा है ये देखिएगा। तो गाइस आप देख ही सकते हैं। क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हमने मंगाया है ये हमारे खून पसीने की मेहनत से मंगाया ये प्रोडक्ट। अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनाऊँ कि दूसरे कंपनी वाले आके मुझे स्पॉन्सर करे कि तो आप मेरे सामान का प्रचार कर दो। तो इसलिए गाइस आपको मैंने अपने डोर नेट की रिव्यू दे दी है, आप अगर आपको भी नीड हो तो आप ज़रूर मंगाइए, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा ये महंगा नहीं है, ये कुछ 800 रुपये कुछ का है। तो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो चलिए गाइस अब ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। तो गाइस तब तक के लिए बाय।